Welcome to Easy Physics. Equilibrium of a particle mechanics के अंदर अगर किसी पार्टिकल पे टोटल फोर्स यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है। इससे ये बात आ रही है निकल के कि यानी या तो वो पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तब तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ द न्यूटन साहब की। अच्छा, इससे यह बात आगे बढ़ के आ रही है कि अगर मान लेते हैं किसी कोई दो फोर्स काम कर रही हो एक पार्टिकल पर, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब एफ वन प्लस एफ टू विल बी ज़ीरो। इसका मतलब वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तब तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, यानी साम्यावस्था मेंटेन की हुई है। अच्छा, अगर तीन फोर्सेस हो काम कर रही हो एक पार्टिकल पे, तो अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब उन तीनों का समेशन ज़ीरो होगा। तो हेर दो का समेशन हमने ले लिया कि चलो ये वेक्टर है, तो थर्ड वाले को इक्वल अपोजिट कर दिया, यानी कि दिस इज इक्वल एंड अपोजिट एंड दिस समेशन गोइंग टू जीरो। हेयर होप यू आर डूइंग वेल, कंटिन्यू द सीरीज विद आई एम साइम फ्रॉम इजी फिजिक्स क्लासेस।